नमस्कार दोस्तों, AKB टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है एक्सटेंशन बोर्ड। देखिए, ये तो है छोटा चीज़, ठीक है, लेकिन ख़राब जब हो जाता है तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। और अभी ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये अभी इसका जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये इसका प्लग है, ठीक है। जैसे ही हम इसे लगाते हैं तो यहाँ पे जो लाइन आना चाहिए वो आता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ चेक करेंगे वो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर आता है ये बनाने के लिए तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है वो इस वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है इसे बनाने के लिए, अगर आपके पास ये एक्सटेंशन बोर्ड है तो इसमें देखिएगा यहाँ पे फ्यूज लगा होगा, ठीक है। अगर फ्यूज नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, सबसे पहले हमें ऊपर ही चेक करना है। पहले तो हमें यहाँ पे फ्यूज निकाल कर चेक कर लेना है कि फ्यूज हमारा सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा फ्यूज, और मीटर को कंटिन्यूटी में लगाएंगे, ठीक है। इस तरह का डिजिटल मीटर भी होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे एक प्रोब को यहाँ रखेंगे और दूसरे को यहाँ, ठीक है। देखिए, ये बीप का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको, तो समझ जाइए कि हमारा जो फ्यूज है वो ठीक है, ठीक है। अब हम इसे लगा देते हैं उसी पोजीशन पे जहाँ से हमने खोला था। अब ये लगने के बाद दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको तीन पिन दिख रहा होगा, ठीक है, एक तो हमारा अर्थिंग हो गया, इसे आप छोड़ दीजिए। बारी बारी से ये दोनों पिन को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोब को रखना है और दूसरे प्रोब को यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको कोई कंटिन्यूटी आपको दिखाई नहीं देगा, शो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लग में इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे प्लग में सॉकेट में इस तरह से यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भी देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ से चेक करेंगे, यहाँ भी देखिए नहीं आ रहा, ठीक है, जबकि हमारा स्विच जो है वो दिया हुआ है। तो अभी हम पहले इसे खोलकर चेक कर लेते हैं कि हमारा वायर जो है दोस्तों, ये एक्सटेंशन बोर्ड का वायर जो है उसे हम लोग पहले खोलकर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन को खोलेंगे और यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे वायर का। तो ये देखिए, हमने इसे खोल दिया दोस्तों, इस तरह से हमें खोल लेना है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब सेम उसी तरह से हम लोग फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो पहले रेड वायर को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रेड वायर में कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि बीप मार रहा है, यानी कि हमारा जो रेड वायर है वो ठीक है, ठीक है। अब ब्लैक वायर को चेक करेंगे, तो दूसरे पिन में भी इसी तरह से लगाएंगे, और ब्लैक वायर देखिए जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए ब्लैक वायर भी ठीक है, और ये जो फ्यूज है दोस्तों, फ्यूज में यहाँ पे देखिए लगा हुआ है वायर, ठीक है, ये ब्लैक वायर जो है फ्यूज में लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ भी हमारा कंटिन्यूटी यहाँ पे शो करना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो दूसरी तरफ भी शो कर रहा है, यानी कि ये जो फ्यूज है हमारा सही है दोस्तों। और यहाँ से जो वायर आया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे, ये काला वाला जो वायर है यहाँ पे आया है। तो काला वाला वायर जहाँ पे आया है वहाँ भी हम लोग चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा, यहाँ भी आ रहा, लेकिन यहाँ पे प्लग में जो है वहाँ यहाँ भी आ रहा दोस्तों, लेकिन रेड वाला जो है, रेड वाला को अब हम लोग चेक करेंगे, दूसरे पिन में फिर से लगाएंगे, और रेड वायर से करंट हमारा स्विच के थ्रू आ रहा है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो आ रहा दोस्तों, लेकिन जो स्विच है दोस्तों, स्विच से ये करंट को पास नहीं कर रहा, तो हमारा स्विच भी थोड़ा सा बदल, देखिए स्विच जो है हमारा ये ख़राब है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्विच को बाईपास कर देंगे, क्योंकि अभी ये स्विच मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं लगा देता। तो स्विच को बाईपास करने के लिए क्या करना होगा, ये रेड वायर को खोल कर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्विच का जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमें जोड़ना होगा, यानी कि स्विच का दोनों कनेक्शन को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। देखिए ये वाला जो स्विच का दो पॉइंट है इसे हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। इसके बाद इसका जो LED जो भी है दोस्तों, इसका LED जो है यहाँ पे हम इस तरह से लगा दिए। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले तो मीटर का प्रोब यहाँ पे इस तरह से रखना है,
और इस तरह से सॉकेट में, जो सॉकेट है दोस्तों, सॉकेट में हमें इस तरह से चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीप दे रहा, यानी कि हमारा सॉकेट जो है ये वाला वायर से ठीक है। दूसरे तरफ से भी हमें इसी तरह से चेक करना है। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, ये देखिए दोनों तरफ से बता रहा दोस्तों, यानी कि हमारा जो सॉकेट है काम कर रहा है। अब हम इसमें लाइन लगाकर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें हमने लाइन दे दिया है और आपको यहाँ पे एलईडी जो है वो आपको दिख रहा होगा, ग्लो कर रहा है, ठीक है। और अभी हम इसमें लाइन आपको चेक करके दिखा देते हैं। लाइन को चेक करने के लिए मीटर को हम लोग 600 के रेंज में रखेंगे एसी पे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए ये इस तरह से यहाँ पे शो कर रहा वोल्टेज, ठीक है।